चले बच्चों शुरू करते हैं। अब हम टॉपिक अपना न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, ठीक है। अब हम नए रिलीजियस ट्रेडिशंस की बात करेंगे। बेसिकली बुद्धिज्म में कैसे सेक्ट बने। देखो तो बेटा, अगर हम हिंदुज्म की बात करते हैं तो हिंदुज्म में भी जैसे वैष्णव शैविज्म बना, क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं उसमें कैथोलिक और वो बने, इसमें प्रोटेस्टेंट्स। अगर हम मुस्लिम्स की बात करते हैं शिया सुन्नी बने। इसी तरीके से अगर बुद्धिज्म की बात करें, बुद्धिज्म में भी दो सेक्ट बने थे। पहला सेक्ट था बच्चों हीनयान और दूसरा था महायान, ठीक है। तो अब इसी में हम महायान की रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। फर्स्ट सेंचुरी सीई के बाद से हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि जो बुद्धिस्ट आइडिया और प्रैक्टिसेस थे इसमें बदलाव आए। जो पुराने बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी है ना, जिन्हें इन्हें बहुत इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी कि सेल्फ एफर्ट के द्वारा ही निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। मतलब जो पुराने बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी उसमें कहा गया कि आप अपने ही एफर्ट से इस दुनिया से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जो बुद्धा थे, बुद्धा को एक इंसान की तरह देखा जाता था कि बुद्धा एक इंसान है ना, ह्यूमन बींग है, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी और उसके बाद निर्वाण की प्राप्ति करी अपने खुद के एफर्ट से। लेकिन हल्के हल्के ये आइडिया चेंज होने लगे। बच्चों याद रखिएगा, जहां पर बुद्धिज्म को बुद्धा को एक ह्यूमन माना जाएगा है ना, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने एफर्ट से ज्ञान मुक्ति प्राप्ति करी है, इस सेक्ट को बोलेंगे हीनयान, ठीक है। जबकि हल्के हल्के ये आइडिया चेंज हुए, बुद्ध को एक सेवियर की तरह देखा जाने लगा, ऐसा माना जाने लगा कि ये वो हैं जो दूसरों को मुक्ति दिलवा सकते हैं, मुक्ति का रास्ता दिखवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बौद्धि सत्य का कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा। बौद्धि सत्य क्या है बच्चों? देखो, बौद्धि सत्य माना गया कि बौद्धि सत्य वो शुरुआती टीचर्स हैं जिन्होंने क्या करा, अपने खुद के एफर्ट से उन्होंने डीपली कंपेंशनेट, उन्होंने क्या करा, देखो, दूसरों को मुक्ति प्राप्त कराने के लिए उन्होंने समझना, जो अच्छे काम करे है ना, जो शुरुआती टीचर्स थे उन्होंने अच्छे काम करे, अच्छे काम कर कर पुण्य प्राप्त करा। पुण्य प्राप्ति का इस्तेमाल उन्होंने खुद के निर्वाण प्राप्ति के लिए नहीं करा, ठीक है, ऐसा नहीं खुद के लिए कराओ, उसका इस्तेमाल उन्होंने दूसरों की मदद करने के लिए करा कि दूसरे किस तरीके से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्हें रास्ता दिखाने के लिए करा। इसमें बच्चों जो बुद्धा बुद्धा की और बोधिसत्व की जो इमेजेस है उनकी पूजा की जानी शुरू हो गई थी इस ट्रेडिशन में। तो इस ट्रेडिशन को नाम दिया गया महायान। समझना, महा मतलब ग्रेट, यान मतलब व्हीकल। जिस सेक्ट में गौतम बुद्धा को एक ग्रेट व्हीकल की तरह माना जाए कि ये एक ऐसा महायान है जो कि दूसरों को मुक्ति दिलाएंगे, तो ये महायान उसमें माने गए। जबकि जिसमें गौतम बुद्धा को हीन यानी इंसान माना जाए है ना, जिसने अपनी मेहनत से ज्ञान की प्राप्ति करी है, तो ऐसी सेक्ट को, ये जो बच्चों सेक्ट है इसे महायान नाम दिया गया। लिटरली महायान का मतलब है ग्रेट व्हीकल। तो ऐसे लोग जिन्होंने इस ट्रेडिशन को अपनाया, वो लोग पुराने ट्रेडिशन को हीनयान कहा करते थे। हीन मतलब लेसर, यान मतलब व्हीकल, ठीक है, हीनयान या लेसर व्हीकल कहते थे। अब हीनयान या थेरवाद को देखते हैं, ये क्या है। देखो, महायान के सपोर्टर्स है ना, दूसरे बुद्धिस्ट फॉलोअर्स को हीनयान कहा करते थे कि ये हीनयान के फॉलोअर हैं। जबकि अगर हम देखें, ऐसे लोग जो पुराने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं है ना, जो बुद्धिस्ट के पुराने टीचर्स को मान रहे हैं, उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वो अपने आप को थेरवादी कहलवाते थे कि हम थेरवादी हैं। हीनयान नहीं कहलाते थे, वो अपने को थेरवादी कहलाते थे। क्यों? क्योंकि जो सबसे पुराने टीचर्स थे जिन्होंने मुक्ति का रास्ता दिखाया था, वो थेर कहलाते थे। तो इन लोगों ने अपने आप को थेरवादी कहलवाया, ना कि हीनयान। जबकि जो महायान के लोग थे, वो इन पुरानी परंपराओं को मानने वालों को हीनयान के फॉलोअर कहा करते थे। तो बच्चों ये देखो, ये गौतम बुद्धा की इमेज है जो कि मथुरा में पाई गई है, ठीक है, मथुरा में पाई गई। तो वैसे आपने देखा होगा गौतम बुद्धा की ज्यादातर जो फोटोज है वो खड़ी हुई अवस्था में ऐसे कर कर रहे हैं, ठीक है, और बाल बंधे हुए हैं। जबकि अगर हम बात करें गंधार शैली की, ठीक है, गंधार शैली की, जो कि कहाँ पर है, ये अफगानिस्तान में, वहां पर एक मूर्ति मिली है बुद्धा की, जिसमें बुद्धा लेटी हुई अवस्था में है, एक करवट कर कर है ना, इस तरीके से लेटे हुए हैं, बाल उनके खुले हुए हैं और ऐसे करके हाथ उन्होंने निकाल रखा है ब्लेसिंग के लिए, ठीक है। तो गांधार कला शैली कहलाती है, गांधार कला है वो। हम बात करते हैं द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुज्म, पुराण, ठीक है, बात करेंगे पुराण की, वेद की बात हो रही थी, पुराणिक हिंदुज्म की बात करेंगे। ये जो सेवियर का नोशन था, कॉन्सेप्ट था, ये बुद्धिज्म के लिए कोई यूनिक नहीं है। इसी तरीके के कॉन्सेप्ट हमें
हिंदुज्म या दूसरे ट्रेडिशंस में भी देखने को मिले हैं, जिसका एक एग्जांपल हिंदुज्म है। इसमें वैष्णविज्म, वैष्णविज्म उस हिंदू सेक्ट को कहते हैं जिसमें विष्णु मेन उनके मेन डाइटी है, मेन देवता है, और शैविज्म या शैविज्म उसको बोलते हैं जिसमें जो शिव जी है वो मेन चीफ गॉड है, मेन डाइटी है ना। ये इसका जो प्रभाव था है ना, जिसमें अपने चूजन डाइटी को चुन लिया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी। इस तरीके की जो वर्शिप है जिसमें डिवोटी यानी भक्त और भगवान के बीच में जो बॉन्ड हुआ करता था है ना, वो डिवोशन और प्यार का बॉन्ड था, इसी को भक्ति कहा गया। मतलब भक्त और भगवान के बीच में जितना गहरा प्यार होगा, जितना डिवोशन होगा, उतनी गहरी भक्ति मानी गई। इधर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है, देखो ये बराह है, विष्णु जी के अवतार है, ये लक्ष्मी जी है, ये पृथ्वी है। तो बताया गया कि विष्णु ने बराह अवतार लेकर किस तरीके से पृथ्वी माता को बचाया है। अगर हम वैष्णविज्म की बात करें तो ये कल्ट में ऐसा माना गया कि कई अवतार या कई इनकारनेशंस लिए डाइटी ने। 10 अवतार बहुत फेमस है इसमें, कि 10 अवतार लिए गए विष्णु जी के द्वारा, जिन्हें इस ट्रेडिशन में रिकॉग्नाइज किया गया। ये जो फॉर्म्स थी है ना इस डाइटी की, माना गया कि इन्होंने अलग अलग समय पर अवतार लेकर इस दुनिया को बचाया। जब भी हमारे देश में डिसऑर्डर बढ़ा, दुनिया में डिसऑर्डर बढ़ा या डिस्ट्रक्शन हुआ, तो इन एविल फोर्सेस को खत्म करने के लिए विष्णु ने अलग अलग रूप में अवतार लिया। जैसे कृष्ण अवतार हो गया, राम अवतार हो गया, एक वो गया परशुराम अवतार हो गया, वराह अवतार हो गया। तो उन्होंने क्या करा, इस डिसऑर्डर और इस डिस्ट्रक्शन को खत्म करने के लिए अलग अलग अवतार लिए। ऐसा माना जाता है कि ये जो अवतार थे, डिफरेंट अवतार थे, अलग अलग अवतार थे, ये हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में फेमस है ना। जैसे विट्ठल की बात करेंगे तो विट्ठल नाथ साउथ में उड़ीसा तरफ बहुत फेमस है। हर एक लोकल डाइटी को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें विष्णु का अवतार माना गया और उन्हें विष्णु से जोड़ा गया। ये एक ऐसी परंपरा थी जिससे यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन को क्रिएट किया गया। ठीक है, एक ऐसी रिलीजियस ट्रेडिशन जो कि यूनिफाइड है, जिसमें अलग अलग विष्णु के अवतार को मानने वाले लोगों को एक ही रिलीजियस ट्रेडिशन से जोड़ा गया है। अगर हम बात करें इनमें से कुछ फॉर्म में से, तो एक फॉर्म हमें जो बराबर में स्कल्पचर मूर्ति में दिखाई गई है ना, ये है। बाकी दूसरे अदर डाइटीज हैं, इसमें दूसरे देवता हैं। अगर हम शिव की बात करते हैं बच्चों, तो शिव को लिंग के रूप में, शिवलिंग बोलते हैं ना, इस तरीके से आपने देखी होगी, शिवलिंग होती है इस तरीके से, शिवलिंग होती है, ब्लैक कलर का एक स्टोन होता है, पत्थर होता है ना, जिसको लिंग की मान्यता दी जाती है, उसे शिव के रूप में पूजा जाता है ना। ये भी ह्यूमन फॉर्म को दिखाने का एक तरीका है कि शिव जी का अवतार है। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, कुछ मंदिर को हम शंकर जी का मंदिर कहते हैं, तो कुछ कुछ मंदिरों को शिव जी का मंदिर कहते हैं। याद रखना, जिस मंदिर में इसकी मेन पूजा हो रही है शिवलिंग की, उसे शिव मंदिर कहेंगे, और जिस मंदिर में शंकर की मूर्ति की पूजा होगी, जिसमें शंकर को ऐसे बैठी हुई क्रॉस लेग अवस्था में भी दिखाया जाता है कि क्रॉस लेग अवस्था में बैठे हुए हैं है ना, और हाथों में तलवार, वो है सॉरी, बराबर में ऐसे करके त्रिशूल होगा, तलवार कह रहा हूँ सॉरी, है ना, और गले में सांप होगा इस तरीके से, तो इस अवस्था में दिखाई देंगे, बराबर में पार्वती जी बैठी हुई दिखाई देंगी, उन मंदिर को शंकर मंदिर कहा जाता है। ये डिफरेंस है बस छोटा सा। इस तरीके के जो रिप्रेजेंटेशन थे वो ये डिपेक्ट करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सेट था आइडियाज का इन डाइटीज वगैरह के बारे में, इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में, कि ये किस तरीके से अलग अलग सिंबल्स रखा करते थे, सर से लेके पैर तक के मतलब पूरी तरीके से ड्रेस्ड होते थे, ऑर्नामेंट्स आभूषण पहनते थे, आयुध, आयुध मतलब होता है युद्ध में यूज होने वाले वेपन्स, यानी वेपन्स होते थे है ना, या ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे, पवित्र चीजें हुआ करती थी जो कि डाइटीज अपने हाथों में पकड़ा करते थे। जैसे सरस्वती माता कमल का फूल ले गए होती है ना, किशन जी को दिखाया जाता है बांसुरी या चक्र के रूप में हाथों में, इस तरीके से इन्हें बैठी हुई अवस्था में दिखाया जाता है या खड़ी अवस्था में, अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है अलग अलग डाइटी को। इन स्कल्पचर्स के मीनिंग को समझने के लिए हिस्टोरियंस को सबसे पहले इनसे रिलेटेड जो स्टोरीज थी है ना, उनके बारे में जानना पड़ा, जो कि पुराण में दे रखी थी। ठीक है, पुराण जो कि ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए थे, फर्स्ट मिलेनियम बीसी में, मतलब सीई के बीच में, यानी 500 AD की बात चल रही है। ठीक है, सी 500 ईयर की बात चल रही है, इस समय पे ये लिखे गए थे पुराण। इनको इनमें लिखी हुई कहानियों को पढ़कर ही हिस्टोरियंस को मूर्तियों के बारे में पता चल पाया। अब पुराण क्या है बच्चों, जरा ध्यान देखना, ये दे कंटेंट इनमें क्या था, इनमें दैट हैड बीन कंपोज, देखो वेद वगैरह में जो कुछ लिखा गया था उससे ज्यादा डिटेल वर्जन में पुराण में लिखा गया। इसमें स्टोरीज हुआ करती थी भगवान देवी देवताओं के बारे में, जनरली
इन्हें सिंपल संस्कृत छंदों में लिखा जाता था, यानी जो वेद थी वेद में तो बहुत टफ संस्कृत थी, लेकिन पुराणों को सिंपल संस्कृत में लिखा जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि पुराणों को हर एक व्यक्ति पढ़ सकता था, जबकि वेद तो सिर्फ पंडितों तक ही, ब्राह्मणों तक ही बंधे हुए थे, जबकि इन पुराणों को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता था, चाहे वो वुमेन हो या शूद्र हो। औरतें और शूद्र जिन्हें पहले वैदिक लर्निंग से मना किया गया था, वैदिक लर्निंग तक एसेस नहीं थी, अब वो लोग भी पुराण के द्वारा वेद की प्रथाओं को या भक्ति की प्रथाओं को जान सकते थे। देखो पुराणों में जो कुछ भी था वो लोगों के आपसी इंटरेक्शन से डेवलप्ड हुआ था, जैसे प्रीस्ट हो गए, मर्चेंट हो गए, आम आदमी औरतें हो गई, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो खुद जाएंगे तो अपने साथ आइडियाज भी लेके जाएंगे, अपनी प्रथाएं भी लेके जाएंगे, तो उनके आपसी इंटरेक्शन से ही ये जो पुराण इवॉल्व हुए हैं। बच्चों आप लोगों को बताने कितने पुराण है, ठीक है, वेद चार हैं, पुराण कितने हैं आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में या मैसेज के थ्रू। अगर हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, तो वासुदेव और कृष्णा, ठीक है, याद रखिएगा वासुदेव कृष्णा की बात चल रही है, ये एक इम्पोर्टेंट डाइटी है मथुरा रीजन के, कई सेंचुरीज में इनकी पूजा देश के अलग अलग हिस्सों में भी होने लगी है। अब बात करते हैं बिल्डिंग टेम्पल्स, टेम्पल्स को कैसे बनवाया गया, तो अगर हम देखें शुरुआती तौर पर जैसे स्तूपा है ना, स्तूपा जैसे सांची का स्तूपा हो गया, इसे आज की प्रेजेंट फॉर्म मिली है, तो शुरुआती जो तौर पर जो मंदिर थे, मंदिर भी इसी तरीके से बेसिक हुआ करते थे, जिसमें एक हाउस टाइप का एक इमेज हुआ करता था, जिसमें भगवान या देवी देवता का घर माना जाता था उसे, तो उसे श्राइन कहते थे या गर्भगृह कहते थे, ठीक है, गर्भगृह या श्राइन बोला जाता था। जो शुरुआती टेम्पल थे मतलब इस तरीके से चौकोर टेम्पल हुआ करते थे, आप फोटो में देखो चौकोर टेम्पल हुआ करते थे, छोटे से जैसे लगता है घर है, ठीक है, तो एक घर की तरह होते थे, जिन्हें भगवान का घर माना जाता था, इन्हें गर्भगृह कहा जाता था, ठीक है, गर्भगृह के इनमें एक सिंपल एक आगे की तरफ एक सादा सा दरवाजा हुआ करता था, जो भी पुजारी होगा पूजा करने जाएगा वो इसी दरवाजे से एंटर करेगा और अपने भगवान की पूजा करेगा। हल्के हल्के कर कर इन श्राइन के ऊपर गुंबद बनने लगे, ठीक है, इन श्राइन के ऊपर गुंबद बनाए जाने लगे, जिन्हें शिखर नाम दिया गया, ठीक है, और ये सेंट्रल श्राइन के, इसी सेंट्रल श्राइन के ऊपर इन्हें बनाया जाने लगा। जो टेम्पल की दीवारें थी इन्हें फिर ऊंचा ऊंचा किया जाने लगा, ऊंचे ऊंचे मंदिर हो गए, अभी तो ये छोटा सा है, ऊंचे मंदिर बनने लगे, इनमें बहुत बड़े बड़े हॉल्स बनाए गए बीच में, है ना, जहाँ पे बैठ के जितने भी पूजा करने वाले लोग होंगे वो बैठ के यहाँ पे कीर्तन करेंगे अब पूजा करेंगे, सुंदर सुंदर गेटवे बनाए गए इनके आगे, और यहाँ पर पानी की अरेंज सप्लाई की भी अरेंजमेंट किए गए, ठीक है। अगर हम एक यूनिक फीचर देखते हैं शुरुआती टेम्पल्स का, तो वो ये था कि जो शुरुआती टेम्पल्स थे वो कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स को काट कर, है ना, उन रॉक्स को काट कर उनमें गुफाएं बनाई जाती थी, उन गुफाओं के अंदर में वो श्राइन्स बनाए जाते थे, गर्भगृह बनाए जाते थे। ये जो आर्टिफिशियल केव्स बनाने का ट्रेडिशन था ये काफी पुराना ट्रेडिशन था। इनमें से अगर हम बात करते हैं पुराने के, बच्चों ये देखो विष्णु जी दिखाए गए हैं जो कि नाग के ऊपर लेटे हुए हैं, ठीक है, सरपेंट के ऊपर लेटे हुए विष्णु जी दिखाए गए हैं। ये मूर्ति हमें देवप्रयाग में मिली है, देवप्रयाग कहाँ, देवगढ़ में, सॉरी देवगढ़ में मिली है, जो उत्तर प्रदेश में है, 5th सेंचुरी CE के लगभग की है। ये वाला मंदिर ये भी हमारे देवगढ़ का मंदिर है, 5th सेंचुरी CE का, देवगढ़ में जो उत्तर प्रदेश में पाया गया। अगर हम बात करते हैं इन पुरानी गुफाओं में, तो इसका हमें बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है 3rd सेंचुरी BCE में, ठीक है, 3rd सेंचुरी BCE में अशोका के द्वारा इस तरीके की जो गुफाएं थी वो बनवाई गई थी, पुराने बड़े बड़े रॉक्स को काट कर, और खास तौर पर आजीविका सेक्ट के लिए। आजीविका सेक्ट कौन होते हैं, ऐसे लोग जो धर्म से जुड़े हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर कर धर्म की नॉलेज को बांटते हैं, उन लोगों को बीच में रोकने के लिए, कहीं कहाँ पे हॉल्ट बन सके, रुक सके, आराम कर सके, उसके लिए इस तरीके की गुफाएं बनवाई गई थी अशोका के द्वारा। ये जो ट्रेडिशन था ये अलग अलग स्टेजेस में डेवलप हुआ था, ये इसको कल्मिनेट होने में, बाद में कल्मिनेट हुआ 8th सेंचुरी के लगभग में, जहां पर पूरे के पूरे मंदिर को एक चट्टान को काट कर बनाया जाता था, यानी बड़ी सी चट्टान है, देखो बच्चों यहाँ पर देखो जरा कैलाशनाथ के मंदिर में, ये बड़ी सी चट्टान को काट कर, यहाँ पे कोई पत्थर नहीं लगाया गया, एक चट्टान को काट काट कर ही ये मंदिर बनाया गया पूरा का पूरा, कैलाशनाथ का मंदिर। बच्चों याद रखिएगा ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी एक नंबर में फोटो में, ठीक है। ये देखो बच्चों ये है आपकी बराबर की, बराबर बिहार में एक जगह है, वहां की बराबर की गुफाएं हैं, जिन्हें 3rd सेंचुरी BCE में बनाया गया अशोका के कहने पर। ये कैलाशनाथ का मंदिर है जो कि एलोरा में महाराष्ट्र में है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक ही रॉक को काट के बनाया गया।
एक कॉपर प्लेट पर इंस्क्रिप्शन मिला है जो कि रिकॉर्ड करता है एक चीफ स्कल्पचर के अमेजमेंट के बारे में कि उसने जब ये मंदिर बनाया था तो उसने इस कॉपर प्लेट पर लिखवाया एकदम अमेज होकर कि हे भगवान मैंने ये कैसे बना दिया। एलोरा का जो मंदिर बनाया गया है एलोरा के मंदिर के बाद में उस एक कॉपर प्लेट मिली है जिसपे इंस्क्राइब था जो इसका चीफ स्कल्पचर था बनाने वाला मुख्य व्यक्ति था उसने लिखा है हे भगवान मैंने ये मंदिर कैसे बना दिया। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये चीजें हमें पता चली हैं। कैन वी सी एवरीथिंग, क्या हम हर सब कुछ देख सकते हैं, मतलब उस समय पे जो कुछ भी हो रहा था क्या हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। देखो तो बेटा अभी की बात करें तो हमारे पास एक झलक है उस रिच विजुअल ट्रेडिशन की जो कि हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम देख सकते हैं, है ना, जो कि पास्ट से एक्सिस्ट कर रही है अभी भी। इसमें ईंटें हो गई, स्टोन स्ट्रक्चर हो गए, मूर्तियां हो गई, पेंटिंग हो गई, सिर्फ इनकी हमें एक झलक मात्रा हमारे पास अवेलेबल है। हम वी हैव सीन दैट मच हैज बीन डिस्ट्रॉयड। हम बेटा कई ऐसी चीजें हैं जो कि सेंचुरीज के साथ में बढ़ते समय साथ में या तो खो गई या डिस्ट्रॉय हो गई, उनके बारे में हम सिर्फ जान सकते हैं, देख सकते हैं। नेवरलेस व्हाट रिमेन्स, जो कुछ भी थोड़ा बहुत बच गया उसे प्रिजर्व कर लिया गया है ना इस विजन के साथ में कि जो आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचर्स हैं, मैसन्स हैं, मिस्त्री लोग हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने इस तरीके के स्पेक्टुलर वर्क बनाए, इतने देखने लायक सुंदर सुंदर कार्य किए हैं, मूर्तियां बनाई हैं, इनको प्रिजर्व कर लिया गया इस रूप में कि ये पास्ट में चीजें बनाई गई थी और इनकी इंपॉर्टेंस है इसलिए इन्हें प्रिजर्व रखा गया। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वक्त के साथ या तो खत्म हो गई या खो गई। येट डू वी ऑलवेज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड वॉट दे वॉन्टेड टू कन्वे, क्या जो भी मूर्ति बनाई जाती है, मान के चलो ये एक मूर्ति बनाई गई, ठीक है, ये एक मूर्ति बनाई गई, इस मूर्ति को देखकर हम समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली इस मूर्ति की क्या इंपॉर्टेंस थी, किस पर्पज से मूर्ति बनाई गई, ऐसा हो सकता है क्या? कैन वी एवर नो, क्या हम बेटा बता सकते हैं कि जो इमेजेस हैं इनका इन लोगों के लिए, जो उस समय के लोग थे उनके लिए क्या मतलब हुआ करता था, या 2000 साल बाद जो लोग इन्हें देखने जाएंगे क्या वो लोग भी इस मूर्ति या इस इमेज का वही मतलब निकालेंगे जो उस समय के लोग निकाला करते थे, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर, ठीक है, जिसको नहीं जानते उसको कैसे जाना हमने। तो बेटा इट विल बी यूजफुल टू रिकॉल दैट व्हेन 19th सेंचुरी यूरोपियन स्कॉलर फर्स्ट सॉ सम ऑफ द स्कल्पचर, बेटा देखो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, काम की चीज है कि जब 19th सेंचुरी में यूरोपियन स्कॉलर्स ने पहली बार देवी और देवताओं की मूर्ति देखी, ठीक है, जरा ध्यान से देखना क्योंकि उनके यहाँ पे देवी देवता तो चलते नहीं है, तो वो उस समय पर इनके बारे में नहीं समझ पाई ये किस चीज के बारे में थी मूर्तियां। कई बार वो इनसे डर जाया करते थे मूर्तियों की फॉर्म्स देख के, जैसे काली माता है जीव निकली हुई है, कई बार वो डर जाया करते थे, है ना, इन मूर्तियों को देखकर कि इनमें इनके अलग अलग बहुत सारे हाथ दिखाए गए हैं, चार चार हाथ दिखाए गए हैं, नंबर ऑफ हेड्स दिखाए गए हैं कई बार, है ना, इनमें कई बार ह्यूमन और एनिमल फॉर्म दोनों मिलाकर, जैसे बड़ा अवतार हो गया, है ना, तो इस तरीके से वो कई बार इन मूर्तियों को देख के डर जाया करते थे और इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे क्या है। ये जो शुरुआती स्कॉलर्स थे इन्होंने एक सेंस क्रिएट करने की कोशिश करी कि जो भी इन्हें स्ट्रेंज इमेज मिल रही है ना, इसे उन्होंने स्कल्पचर के साथ में कंपेयर करा या उस चीज के साथ में कंपेयर करा जिसे ये जानते थे, खासतौर पर एंशियंट ग्रीस ट्रेडिशन को। बेटा देखो ग्रीक में खुदाई हमारे इंडिया में खुदाई होने से पहले हुई थी, है ना, तो ग्रीस के बारे में ये यूरोपियंस जानते थे, वहां के कल्चर के बारे में जानते थे, वहां पे मूर्तियां मिली थी, तो इंडिया में जो भी मूर्तियां मिली उन्हें ग्रीस की मूर्तियों के साथ में कंपेयर किया गया और वहां से एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट किया गया। देखो यहाँ इन्हें जो अर्ली इंडियन स्कल्पचर मिला है जो कि ग्रीक आर्टिस्ट के काम से थोड़ा इंफीरियर है, ग्रीक आर्टिस्ट की मूर्तियां ज्यादा सुंदर थी, ज्यादा एकदम देखे तो बहुत अच्छी लगती हैं और उसमें चीजें डिस्क्राइब होती हैं वेल तरीके से, है ना, वेल डिस्क्राइब है, जबकि हमारे यहाँ की जो मूर्तियां थी वो शुरुआती मूर्तियां बता रहा हूँ बच्चों, वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, इतनी ज्यादा अच्छी उस समय पर आर्ट नहीं थी। ये लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते थे जब ये किसी तरीके से जब इन्हें बुद्धा या बोधिसत्व की इमेज मिली, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे ये लोग यूरोपियंस जब इन्हें बुद्धा और बोधिसत्व की मूर्ति मिली, ठीक है, ये देखो बच्चों ये दिखा रखा है बुद्धा के बारे में इमेज इस तरीके से, दैट वर एविडेंटली, क्योंकि ये जो मूर्तियां थी ग्रीक मॉडल्स में भी थी, तो जैसे ही इन्हें बुद्धा की मिली ये बहुत एक्साइट हो गए कि हाँ, इसके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन काली माता की मूर्ति मिली उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, बरा की मूर्ति मिली उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो वहां डर जाया करते थे, ठीक
ठीक है, तो ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाए तो इस तरीके की मूर्तियां नॉर्थ वेस्ट में बहुत ज्यादा मिली हैं, जैसे तक्षशिला हो गया, पेशावर हो गया, है ना, जहां पर इंडो ग्रीक रूलर्स, इंडो ग्रीक रूलर्स मतलब कौन से, जो ग्रीक रूलर्स जो इंडिया में आके बस गए, ठीक है, तो इंडो ग्रीक रूलर्स कराए इन्होंने, जहां पर इस समय पर 2nd सेंचुरी BC में अपना किंगडम बनाया, तो यहाँ पर ये ग्रीक रूलर थे, तो ये पहले जानते थे बुद्धिज्म के बारे में, बोधिसत्व के बारे में, जब ये इंडिया आए नॉर्थ वेस्ट रीजन में तो इन्होंने यहाँ आके शासन करा, यहाँ पर भी इन्होंने इसी तरीके की मूर्तियां बनाई, और जब अंग्रेजों को ये मूर्तियां मिल गई तो अंग्रेज बड़े खुश हो गए कि अरे ठीक है, हमें तो इस मूर्तियों के बारे में पता है, हमने ग्रीक में इनके बारे में स्टडी कर रखी है, तो इनसे हम फैमिलियर हैं। तो ये जो इमेजेस थी ये बहुत ही ज्यादा क्लोज थी, मिलती जुलती थी ग्रीक के स्टैचू से, है ना, ये जिनसे ये स्कॉलर फैमिलियर थे। तो ये इंडिया अर्ली इंडियन आर्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इन्हीं को समझा करते थे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अर्ली इंडियन आर्ट का। अगर देखा जाए तो ये जो स्कॉलर्स थे उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर ली थी, है ना, कि जो चीजें फ्रिक्वेंटली यूज की जा रही थी, डिवाइजिंग डिवाइजिंग यार्ड स्टिक्स ड्राइव फ्रॉम फैमिलियर टू मेक सेंस ऑफ द अनफैमिलियर। तो इसमें ये लोग क्या करते थे, इन्होंने एक थ्योरी बनाई बच्चों कि कोई भी चीज अनफैमिलियर मिल रही है उसे फैमिलियर के साथ में कंपेयर करके देखो, ठीक है, यानी नोन से अननोन की तरफ जाओ, जो चीज हम जानते हैं इसके बेसिस पे कंपेयर करते हुए अननोन को जानने की कोशिश की गई। ठीक है बच्चों, इसके बाद लास्ट टॉपिक है ये आपको होमवर्क में करना है, इफ टेक्स्ट एंड इमेज डू नॉट मैच, कि अगर टेक्स्ट और इमेज मैच नहीं होंगी तो क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में जैसे महाबलीपुरम का एक रॉक है, रॉक बहुत बड़ी रॉक सरफेस है महाबलीपुरम की, इसके बारे में आपको सेल्फ रीड करना है।